बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और हम मसले पे बात करेंगे कि बहुत से वालदैन जिनके बच्चे 2 साल से छोटे होते हैं या ख़ास तौर पे 1 साल से छोटे होते हैं, अक्सर वो शिकायत लेकर आते हैं कि बच्चे का ना सर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है या अमूमी तौर पे सर इसका बाकी जिस्म की नस्बत गर्म होता है, या वो ये शिकायत होती है कि बच्चे के सर को बुखार है। पहली बात तो ये याद रखें कि कोई ऐसी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसमें जिस्म के खास हिस्से को बुखार हो जाए और बाकी जिस्म जो है ना कि बिल्कुल ठंडा हो। खास तौर पे तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ सर के हो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बुखार है तो सर गर्म और बाकी जिस्म भी उसका गर्म, लेकिन हाथ पांव अमूमी तौर पर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो अहम मसला है कि अक्सर जो छोटे बच्चों को जो सर गर्म होता है उसके पीछे वजह क्या होती है। अगर आपने देखा हो तो ये कि पहले भी हम वीडियो में बताया था कि बच्चे का जो सर बढ़ने की रफ्तार है पहले साल के अंदर वो सबसे ज्यादा होती है। तकरीबन जो है कि 4 इंच तक जो ना कि बच्चे के सर का साइज 4 से 5 इंच बढ़ता है, उसके बाद 1 इंच, उसके बाद बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो ग्रोथ है या वहां पे ग्रोथ की वजह से जो मेटाबॉलिज्म है तो वो ज्यादा होता है, और मेटाबॉलिज्म ज्यादा एनर्जी ज्यादा यूज हो रही होगी। और दूसरा फिर होता है कि जहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है वहां ब्लड सप्लाई भी, खून की सप्लाई भी ज्यादा होती है। हार्ट जल्दी जो है ना कैसे हार्ट उनको ब्लड सप्लाई ज्यादा करता है जहां पे ग्रोथ ज्यादा या उसकी ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए अमूमी तौर पर बच्चों का सर, छोटे बच्चे हैं खासतौर पर 1 साल या 2 साल से नीचे या बिल्कुल 5-6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनका सर आपको हमेशा बाकी जिस्म की नस्बत ज्यादा गर्म लगेगा। उसकी कोई पीछे बीमारी नहीं होती, एक नॉर्मल है। हाँ, जब बुखार होगा तो फिर सारा जिस्म गर्म होगा, बाकी जिस्म के भी जो ना कि हिस्से जो ना कि उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। थर्मामीटर लगाएं जब आपको शक हो कि बच्चे को बुखार है, तो अगर थर्मामीटर में आता है तो है, अगर नहीं है तो नॉर्मल है, और सर का गर्म होना नॉर्मल है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। उम्मीद है कि आपको जो है कि इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और ये जो बहुत से पेरेंट्स वालदैन माएँ खासतौर पर परेशान होती हैं उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकॉन को ऑन कर लें। शुक्रिया।